हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंड टुडे आवर टॉपिक इज हु इज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। समवन हु हैज़ द एबिलिटी एंड डिजायर टू एस्टैब्लिश अ न्यू स्टार्टअप वेंचर और बिजनेस अलोंग विद रिस्क टू मेक अ प्रॉफिट इज एंटरप्रेन्योर। समवन, कोई भी शख्स, हु हैज़ एबिलिटी, जिसके पास काबिलियत है, एंड डिजायर, ख्वाहिश है, टू एस्टैब्लिश न्यू स्टार्टअप वेंचर, जो इस्टेब्लिश कर सके, बना सके न्यू स्टार्टअप वेंचर, एक नया शुरू किया हुआ कारोबार और बिजनेस या कारोबार, अलोंग विद रिस्क, उसके साथ जितने भी खतरे हैं उनको साथ लेते हुए, टू मेक अ प्रॉफिट, मुनाफा कमाने के लिए, इज एंटरप्रेन्योर, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। कोई भी शख्स जिसमें काबिलियत है, डिज़ायर है कि वो नया कारोबार स्टार्ट करे, जितने भी साथ में रिस्क है, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क है या कोई भी रिस्क है, उसको साथ लेते हुए मुनाफा कमाने के लिए, हम उसको कहेंगे एंटरप्रेन्योर। ही और शी इज समवन हु आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट फॉर न्यू आइडिया ऑफ बिजनेस एंड मैनेज फंड टू स्टार्ट अ बिजनेस विद विजन टू मेक इट बिग। ही और शी इज समवन एंटरप्रेन्योर वो शख्स होता है हु आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, जो मार्केट में एक मौका तलाश करता है, ठीक है, फॉर न्यू आइडिया ऑफ बिजनेस, नए बिजनेस के आइडिया के लिए, एंड मैनेज फंड टू स्टार्ट अप बिजनेस, और फिर वो फंड्स यानी कि पैसे जो है वो मैनेज करता है, उसका इंतज़ाम करता है कि वो अपने कारोबार को स्टार्ट कर सके, विद विजन, इस नज़रिए से, टू मेक इट अ बिग, कि एक वक्त आएगा वो अपने कारोबार को बहुत बड़ा कारोबार बनाएगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी होती है मार्केट के अंदर कि मैं कौन सी प्रॉब्लम जो है कस्टमर की सॉल्व कर सकता हूँ, वो मौका ढूंढना होता है और अपने कारोबार को बड़ा कारोबार बनाना होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का इशू था, जिसकी वजह से UPS और सोलर के कारोबार ने बहुत तरक्की की। तो हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है मार्केट के अंदर कि किस तरह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट पे अपनी जगह बनाएगा और कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। द एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन नोन एज सोर्स ऑफ न्यू आइडिया और इनोवेटर। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं अक्सर उनको जाना जाता है एज अ सोर्स ऑफ न्यू आइडिया, न्यू आइडिया का जरिया, ठीक है, और इनोवेटर, इनको इनोवेटर भी कहा जाता है, जो चीज़ों में जिद्दत लेके आते हैं, बेहतरी लेके आते हैं। ब्रिंग न्यू आइडिया इन द मार्केट बाय रिप्लेसिंग ओल्ड विद न्यू इन्वेंशन, ये मार्केट में नया आइडिया लेके आते हैं और रिप्लेस करते हैं पुराने प्रोडक्ट को अपनी न्यू इन्वेंशंस के साथ, नई एजाज के साथ, ये लोग होते हैं एंटरप्रेन्योर। इन सिंपल वर्ड, अगर हम सादा अल्फाज में कहें, एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु हैज़ एबिलिटी टू स्टार्ट अ बिजनेस वाइल टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क। कोई भी शख्स जो कि नया कारोबार स्टार्ट करता है, मालियाती रिस्क लेता है, उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। यही हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था, हु इज़ एंटरप्रेन्योर। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।